बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर पूर्व में हुई 6 चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। पकड़े गए शातिरों के कब्जे से पुलिस ने लाखों के आभूषण, नकदी और अन्य घटनाओं से संबंधित चोरी का माल भी बरामद किया है। बुलंदशहर SSP के मुताबिक शातिरों ने बीती 31 अगस्त को सिकंदराबाद के मोहल्ला हरीशा में स्थित एक घर में उस वक्त धावा बोल दिया जब पूरा परिवार घर में ताला लगाकर जन्मदिन के कार्यक्रम में गया था। घर में घुसे हथियारबंद शातिर बदमाशों ने दिव्यांग महिला को बंधक बनाकर घर में रखे लाखों के आभूषण और करीब 15,000 रुपए की नकदी लूट ली और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। SSP के मुताबिक आज पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ शातिर चोर चोरी किया हुआ माल बेचने के लिए सिकंदराबाद बस स्टैंड के पीछे GT रोड पर खड़े हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर चारों शातिरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। SSP के मुताबिक चोरों के कब्जे से सोना चांदी के आभूषण, सफेद धातु के सिक्के, 15,000 रुपए की नकदी, 3 चाकू और पूर्व में की गई अन्य 5 घटनाओं से संबंधित सामान भी बरामद किया है। देखिए, 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं थाना सिकंदराबाद इंस्पेक्टर और उनकी टीम के द्वारा। उल्लेखनीय यह है कि दिनांक 31 अगस्त की रात में एक व्यक्ति हरीशाह मोहल्ले में सिकंदराबाद में जिनकी रिश्तेदारी में बर्थडे पार्टी थी, ताला बंद करके गए हुए थे और घर के अंदर उनकी एक दिव्यांग बहन जो महिला थी वो मौजूद थी। ये उधर घूम रहे थे, शातिर अपराधी हैं। इनका धंधा यही है कि ये रात के समय भ्रमणशील रहते हैं और कहीं पर घर में ताला आदि बंद मिल जाए तो उसको ताला तोड़ करके चोरी की घटना को कर लेते हैं। उस दिन भी यही हुआ, क्योंकि पूरा परिवार होटल में बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। इन्होंने समझा कि घर में कोई नहीं है, ताला तोड़ के अंदर गए, अंदर महिला थी, उसको कब्जे में कर लिया। इसके बाद उस घर में जो भी कुछ सामान था कीमती, लगभग 4 लाख रुपये मूल्य के जेवर और 15,000 रुपये नगद, मोबाइल फ़ोन आदि ये लेकर के वहाँ से चले गए। इस घटना के बाद एक टीम गठित की गई और लगातार प्रयास किए जा रहे थे। व्यापक और सूचना संकलन के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है और इसके अतिरिक्त इन्होंने उस पूरे इलाके की 6 घटनाओं को स्वीकार किया है जो चोरी की घटनाएं इनके द्वारा पूर्व में की गई थी। इसमें अभियुक्त आज़ाद उर्फ लाला है और इसके विरुद्ध 20 मुकदमे पूर्व से दर्ज रहे हैं, शातिर किस्म का चोर है। दूसरा अभियुक्त रिजवान के विरुद्ध 15 मुकदमे हैं। तीसरे अभियुक्त जहीरुद्दीन के विरुद्ध 10 मुकदमे हैं। अभियुक्त समीम का 1 मुकदमे का आपराधिक इतिहास पाया गया है। तो ये बहुत ही उल्लेखनीय और अच्छी गिरफ्तारी और बरामदगी पुलिस के स्तर से रही है। इससे भविष्य की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा और इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो इस तरह पूरी टीम को लगभग 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया गया है इस उत्कृष्ट कार्य के लिए। SSP ने बताया कि पकड़े गए चोरों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। फिलहाल पुलिस ने चारों शातिरों को जेल भेज दिया है, जबकि टीम की कार्यशैली से प्रसन्न होकर SSP ने सिकंदराबाद पुलिस को 20,000 की राशि से पुरस्कृत किया है। बुलंदशहर से Time24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।